नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही। मोहनलालगंज के एक गांव में शराब में धुत पिता ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दुष्कर्म में ना जब सफल नहीं हुआ पिता, तो उसने बेटी के रुपट्टे से ही उसका गला दबा के हत्या करने की कोशिश की। चीख पुकार के बाद जब उसकी माँ पहुंची तो पिता ने दोनों को धमकाया और भाग गया। उसके बाद माँ और बेटी दोनों थाने पहुंची, थाने में तहरीर दी। अब कार्रवाई कर रही है पुलिस। आई नजर डालते हैं मोहनलालगंज के इस गाँव की इस घटना पर एक नजर। मोहनलालगंज क्षेत्र के गांव में नशे में धुत पिता ने रविवार को देर रात नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसका गला दुपट्टे से कसकर जान से मारने की कोशिश भी की। चीख पुकार सुनकर उसकी मां पहुंच गई। पिता दोनों को धमकाया हुआ भाग निकला। सोमवार सुबह पीड़िता ने थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक गौदीन शुक्ला के मुताबिक मोहनलालगंज के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने सोमवार को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि रविवार रात मां घर के बाहर सो गई। वह घर के अंदर कमरे का दरवाजा बंद करके सो रही थी। देर रात शराब के नशे में धुत पिता ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो पिता उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। विरोध किया तो दुपट्टे से गला कसकर जान से मारने का प्रयास किया। किसी तरह पिता के चुंगल से अपने आप को छुड़ाने के बाद भागकर मां को जगाया, उसे पूरी जानकारी दी। इसी दौरान आरोपी पिता दोनों को धमकी देता हुआ भाग निकला। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक तहरीर पर छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।